हेलो दोस्तों, आशा पेटकर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि मेरी मॉन्स्टर फिश की ऑस्कर फिश की पेयरिंग हो गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वेलकम टू आशा पेट केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं कि ये मेरी मॉन्स्टर फिश से कॉपर ऑस्कर है और टाइगर ऑस्कर है, इन दोनों ने अपनी पेयरिंग कर ली है। थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि दूसरी वाली फिशेज के साथ ये कुछ ज़्यादा दिखा रही है वो एग्रेशन, लेकिन अभी ये नॉर्मली जो आप कह सकते हैं कि दो तीन दिन में इनकी जो पेयरिंग हुई है धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रॉपर पैर बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप उसमें फाइट भी कर रही हैं, दूसरी फिशेज को भी फाइट कर लेती हैं ये साथ के साथ ही। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रही है, माउथ टू माउथ फाइट कर रही है ज़्यादातर। इनकी ऐसी रहती है ऑस्कर फिश में, ज़्यादातर यही रहता है कि आप फाइट करते रहिए, इनका ये ऐसे ही रहता है। आप सामने देखते हैं कि तो हमारी पैरेट फिश है वो भी आपस में सेम ही वैसे उसी तरह मेल फीमेल आपस में फाइट करते थे, फीमेल फीमेल भी फाइट कर लेती है और मेल फीमेल भी आपस में फाइट करते थे। मेल जो होगा मेल को ही मार के भगाता रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन अभी आप सामने देख सकते हैं कि जो हमारी ऑस्कर फिश है कि इनकी पेयरिंग थोड़ी बहुत ही अभी थोड़ा शांत हुआ है इनका, तो उन्होंने लड़ाइयाँ बहुत करी हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि इनकी लड़ाइयाँ कितनी तेज़ होती है कि आप सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इनकी लड़ाई थी। जैसे ये माउथ कर रही हैं ये प्रॉपर कम से कम ये दो दो घंटे तक ऐसी आपस में माउथ टू माउथ लगा करके आपस में एक दूसरे को धक्का देती रहती हैं। लेकिन ये देख सकते हैं कि अभी फिलहाल थोड़ा शांत है, जो इसके ऊपर वाला बॉटम है इसके ऊपर का इसी में ये थोड़ा सा इनको देखिए किस तरीके से दिखा रही है। ये आप सामने की तरफ फ्रंट की तरफ देख रहे हैं नीचे ग्लास पे, ये इन्होंने ऑस्कर फिश ने थोड़ा साइड करके रखा हुआ था। अभी फ़िलहाल मैंने इनको फूड डाला था तो ये ऊपर की तरफ आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ही है इनका, और इनको फूड पकड़ बिल्कुल इनको टाइम टू टाइम फूड देता रहता हूँ मैं। और आप सामने देख सकते हैं कि ऑस्कर फिश थोड़ी सी अभी एग्रेशन दिखा रही है, लेकिन इन्होंने फूड बिल्कुल खा रखा है इसी वजह से थोड़ी सी एग्रेशन दिखा रही है। आप अपनी ऑस्कर फिश को कौन कौन से फूड देते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैं अपनी ऑस्कर फिश को तीन टाइप के फूड देता हूँ, एक ऑप्टिमम हो गया, एक चॉकलेट फूड हो गया, एक श्रिम्प हो गई, एक ड्राई ड्राई फिश आती है मैं वो भी देता हूँ इनको, और इनको काफ़ी पसंद है वो खाना, मैंने इनको खिला रखा है। तो फिलहाल आप जो श्रिम्प और ड्राई फिश होती है उनको सोक करके दीजिए, पानी में फुला करके या पानी में थोड़ी देर के लिए रख के दीजिएगा, काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप कोई ब्रांड का खिलाते हैं तो आप उसको भी खिला सकते हैं, और फिश मार्केट में आता है आप वो भी लेकर के खिला सकते हैं। लेकिन चेक ले जाएगा कि एक बार आपको फिश खा रही है या नहीं खा रही है उसी हिसाब से दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल खा लेगी ये, क्योंकि जो मैंने अपने ऑस्कर फिश को देता हूँ वो फिश मार्केट से लेके आता हूँ, वो 200 या 300 रुपये की 250 ग्राम आपको मिल जाएगी, और वो कम से कम आपकी 6 से 8 महीने के आसपास चलेगी, और वो हाई क्वालिटी फूड होता है, आप उसको भी दे सकते हैं। जो फिश मार्केट वाला होता है उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा वाला है, क्योंकि उनके जो आगे नोज पे जो कांटे टाइप के बने होते हैं कहीं आपकी फिश को हार्म ना करे, वो चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी फिशेज के कहीं माउथ में जगह वो जख्म ना बना दे, उसकी जगह कि जब भी आप अपनी फिशेज को खिलाएं तो उसकी फिश को थोड़ा पिंच कर दें, जो उसका जो कांटे कहते हैं आपकी जो नोक्सी निकली हुई होती है श्रिम के आगे वो ना हो, बस बाकी सारा कुछ ठीक है। और मैं इनको सोख करके खिलाता हूँ पानी के अंदर, और वैसे भी दे देता हूँ, मैंने दोनों टाइप से इनको खिला के देख रखा है, इनको काफ़ी पसंद है। और जो मेरी पैरेट फिश है वो भी कुछ इसी तरीके से खाती है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको काफ़ी अच्छी लगती है खाने में ये। और हमारा निचला टैंक देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ की तरफ से इसने पैरेट जो ऑस्कर फिश है उसने जगह बना दी थी, थोड़ा पैरेट फिश ने कवर कर लिया है। मैं इनको काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, इन्होंने इसी जगह पर अपना थोड़ी सी जगह बना रखी। और ये पैरेट फिश है ये वाली सामने जो देख रहे हैं आप फ्रंट पे, और किंग कॉन्ग साइज़ की पैरेट फिश है, इन दोनों ने भी थोड़ा कोशिश किया था कि इनको हटाएँ। अभी फ़िलहाल हमारी ऑस्कर फिश ऊपर की तरफ अपना एग्रेशन दिखाने में कुछ ज़्यादा बिजी हो रही है। जो ये टाइमिंग है इनकी, ये टाइमिंग जो है इनकी ये काफ़ी ज़्यादा इनका ब्रीडिंग का टाइमिंग होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इनमें ये काफ़ी ब्रीडिंग करती है, क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग टाइम है। इस टाइम के आसपास पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और ये मॉन्स्टर फिश होती हैं यानी डॉग फिश कह सकते हैं आप, जो पानी के अंदर डॉग फिश होती है ये खाने को देखते ही बिल्कुल बहुत तेज़ी में झपट्टा मारती हैं। और फिलहाल हमारी जो ऑस्कर फिश है वो इसकी जो पाइप देख रहे हैं आप इसके ऊपर भी
सोच रही है काफ़ी देर से इसके ऊपर, कभी सैंड फेंक दिया, कभी इसे हटा दिया, कभी ये पूरे के पूरे पाइप को पिंच कर दिया, पूरा पाइप इसने हिला रखा था एक बार को तो, ये देखिए। और इसी तरीके से बार बार ऊपर नीचे पाइप के कर रही थी। हमारी टाइगर ऑस्कर फिलहाल थोड़ी शांत है और कॉपर ऑस्कर को थोड़ा सा अग्रेशन आ रखा है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए आशा पेट केयर।